दोस्तों, ये कथा द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और सुदामा की है। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि सांदीपनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने की खातिर उनके आश्रम में रहते थे। दोनों के बीच काफी गहरी मित्रता थी। वहीं आश्रम के करीब एक गरीब महिला रहती थी जो दिन रात वासुदेव का नाम का जप करती थी और भिक्षा मांगकर अपना पेट पालती। एक बार उसे कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिली, वो काफी भूखी थी। जब उसे भूखे रहे 5 दिन बीतने को चले तो किसी ने उसे भीख में चने दिए। उस चने को वो अपने सिरहाने रखकर सो गई, ये सोचकर कि सुबह यही चने वासुदेव को भूख लगाकर मैं खा लूंगी। लेकिन उसी रात को कुछ चोरों ने महिला की चने वाली पोटली सोने के जेवर समझकर चुरा लिए। जब महिला चोर चोर चिल्लाने लगी तो चोर जाकर ऋषि सांदीपनि के आश्रम में छिप गए। और चने वहीं छोड़कर भाग गए। ऐसे में भूखी महिला ने श्राप देते हुए कहा, मुझ लाचार बेबस के चने चुराकर क्या मिलेगा तुझे? लेकिन मैं श्राप देती हूँ, जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। जब सुबह हुई तो श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। तब गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो वत्स, सदा सुखी रहो। जाओ वत्स्य यज्ञ के लिए समीधा ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, हर ओर बादल घिर रहे हैं, लगता है तेज बारिश होगी, इसलिए ज्यादा दूर मत जाना। जब दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा को बुलाया और चने की वही पोटली दी जो रात को चोर आश्रम में छोड़ गया था। गुरु माता ने वही चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, सुदामा, जंगल में जब भूख लगे तो तुम और कृष्ण मिलकर ये खा लेना। सुदामा बहुत ज्ञानी थे। गुरु माता को तो चने से जुड़े श्राप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सुदामा को सब ज्ञात हो चुका था, इसीलिए सुदामा ने वो पोटली अपने पास छुपा ली। जब दोनों जंगल पहुंचे तब दोनों ने मिलकर लकड़ियां काट ली। और जब वापस आश्रम लौटने लगे तो बारिश होने लगी। ऐसे में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी बीच दोनों को भूख लगी। तब कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सखा, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो सुदामा ने कहा, नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सुदामा को भी तेज भूख लग रही थी। सुदामा ने सोचा, अगर ये चने कृष्ण को दे दिए तो श्राप की वजह से वो दरिद्र हो जाएगा, ऐसे में तो पूरा संसार ही दरिद्र हो जाएगा। नहीं, ये चने मैं कृष्ण को नहीं दे सकता। ये सोचकर सुदामा चुपके से चने खाने लगते हैं। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा भी, तुम कुछ खा रहे हो क्या? तो सुदामा ने कहा, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा, ठंड से मेरे दांत कपकपा रहे हैं। फिर दोनों वापस आश्रम लौटते हैं। जब दोनों की शिक्षा पूरी हो जाती है तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा बहुत गरीब रह जाते हैं। उनके घर इतनी ज्यादा गरीबी थी कि कई कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिलता। ऐसे में एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप तो कहते हैं द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके बाल सखा है, तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वो इतने बड़े राजा हैं, आपको तो बिना मांगे ही वो कुछ ना कुछ दे ही देंगे। हमारा कुछ समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा, हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखें? तब पत्नी की बात मानकर सुदामा द्वारिका श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता सताती है कि खाली हाथ सखा के पास कैसे जाएं। तब उनकी पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल मांग लाती है और वही चावल एक पोटली में बांधकर सुदामा को ये कहकर देती है कि ये चावल श्री कृष्ण को देना। सुदामा चावल लेकर खाली पैर पैदल ही द्वारिका जाते हैं।
जिनसे उनके पैर में कई कांटे चुभ जाते हैं। जैसे तैसे सुदामा द्वारका पहुंचते हैं और श्री कृष्ण के महल के पास पहुंचकर द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल, मैं श्री कृष्ण का बाल सखा हूँ, क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? सुदामा की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, कहाँ द्वारिका के राजा श्री कृष्ण और कहाँ ये दरिद्र ब्राह्मण, जाओ 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 यहाँ से, चले जाओ। इस तरह अपना मजाक बनता देख सुदामा वहाँ से वापस लौटने का मन बना लेते हैं कि तभी एक द्वारपाल पूछता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। सुदामा को काफी अपमानित महसूस हो रहा था, इसीलिए वो वापस लौटने लगे। तभी दूसरा द्वारपाल श्री कृष्ण को जाकर बताता है, महाराज, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है, वो आपसे मिलने की हट कर रहा है, खुद को आपका बाल सखा और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं, वो नंगे पांव दौड़े दौड़े द्वार पर आते हैं। लेकिन वहां सुदामा नहीं दिखते। तब सबसे पूछते पूछते दौड़े चले जाते हैं, जिसे देखकर वहां हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। श्री कृष्ण जब दौड़ते हुए कुछ दूर जाते हैं, तब सुदामा उन्हें मिलते हैं। वो सुदामा को रथ में बिठाकर अपने महल लाते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोते हैं। सुदामा की हालत देख श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और अपने उसी अश्रु से वो सुदामा के पैर धोते हैं और अपने वस्त्र से उनके पैर पोंछते हैं और पूछते हैं, सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? नहीं, भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा है। सुदामा को चावल देने में काफी संकोच होता है, इसीलिए वो चावल की पोटली को छुपाने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण उनसे वो पोटली लेकर चावल खाने लगते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, आज तक मैंने इतने स्वादिष्ट चावल नहीं खाए। श्री कृष्ण सुदामा को अपने कक्ष में ले जाते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद सुदामा श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हुए कहते हैं, अब मुझे आज्ञा दो सखा, वहां तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। श्री कृष्ण उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं, थोड़ी दूर उन्हें छोड़ने भी जाते हैं। सुदामा रास्ते में जाते हुए सोचते हैं, कृष्णा ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, जाकर पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही सोचते सोचते वो अपने नगर लौट जाते हैं और अपना घर ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन्हें अपना घर नहीं मिलता है। वो देखते हैं कि जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक महल खड़ा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें लगता है कि वो शायद रास्ता भटक गए हैं। तभी उस महल से उनकी पत्नी अच्छे कपड़ों और ढेर सारे जेवरात पहनी महारानी के समान निकलती है और कहती है, देखा स्वामी, मैंने आपसे कहा था ना कि श्री कृष्ण हमारे दुख दूर कर देंगे, उन्होंने हमारी दरिद्रता दूर कर दी। तब सुदामा को श्री कृष्ण की लीला समझ में आ जाती है और वो भी काफी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह सुदामा की किस्मत में गरीबी लिखी थी, तो उनके सखा कृष्ण के होते हुए भी उन्हें दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। उसी तरह हम आम इंसान को भी अपने कर्मों का फल मिलकर रहता है, इसीलिए हमें सदा अच्छे कर्म करना चाहिए।